हाय दोस्तों, हेलो, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू माय शो एमजे वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है बॉलीवुड कास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कास्टिंग क्या होता है भाई, ये कास्टिंग क्या है, किस चिड़िया का नाम है, कुछ आइडिया नहीं। लेकिन बेफिक्र हो जाए, मैं आपको पूरे विस्तार से, पूरे खुलासे के साथ, पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि ये कास्टिंग डायरेक्टर होती क्या है, मतलब होते क्या हैं। उससे पहले दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज़ बता दूं आप लोगों को कि हमारे जो ये मुल्क है, हमारे देश में तीन चीज़ बड़ी हिट है, बहुत पॉपुलर है, और बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब 90% लोग इस तीन फील्ड में जाना चाहते हैं। पहला पॉलिटिक्स। किसी नेता जी ने एक बार भाषण क्या दे दिया कि भाई हमारे देश में युवा नेता है और युवा नेताओं की ज़रूरत है, बूढ़ों की नहीं। बस क्या थी, होड़ लग गई, हर गरीब मोहल्ले में एक नेताजी मिल जाएंगे। और भाई कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, सबके दिल में ये तमन्ना जागी हुई है कि हम बहुत जल्द ही किसी न किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे, कोई नेताजी हमको टिकट दिलवा देंगे, फिर मेरे अंदर पावर पैसा दोनों आ जाएगा। इसलिए बुलेट राजा, यमहा राजा, राजदूत राजा, हीरो होंडा राजा, पल्सर राजा, भाई एक झंडा लगाना है बाइक पे और कार्यकर्ता बन जाना है। गली मोहल्ले में, निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में हंगामा करना है, बस नेता बन जाएंगे। ये एक। दूसरा जो डिपार्टमेंट, दूसरा फील्ड, क्रिकेट। भाई साहब, एक बार अच्छे क्रिकेटर बन जाओ और दबा करके पैसा छापो, नाम, शोहरत, इज्जत, हर चीज़। तो उसके लिए ढेरों क्लब खुल गए हैं। अब लोग उसमें अपने अपने बच्चों को डालते हैं कि किसी न किसी में ट्रेनिंग लेगा और बन जाएगा मेरा भी बेटा क्रिकेटर। तीसरी फील्ड, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें इंस्पायरिंग एक्टर्स जो होते हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं, बॉलीवुड की दुनिया में जाना चाहते हैं, उस बुलंदी पे जहाँ पे शाहरुख हैं, जहाँ पे सलमान हैं, जहाँ पे संजय हैं, जहाँ पे रणवीर हैं। तो भाई रणवीर कपूर और दीपिका हैं, तो हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए, यानी एक्टर बनने के लिए लड़के लड़कियों में होर मची हुई। भाई साहब, हर दिन हजारों की संख्या में लोग मुंबई की, बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखते हैं। तो वहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ती है कास्टिंग की, कास्टिंग डायरेक्टर की। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये कास्टिंग डायरेक्टर होता क्या है। बेसिकली पहले जो फिल्म इंडस्ट्री हमारी थी, उसमें जो कास्टिंग, यानी जो नए चेहरे की या नए, मतलब करेक्टर आर्टिस्ट की या चरित्र अभिनेता की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये काम जो है डायरेक्टर के जो एसोसिएट होते थे वो कर लिया करते थे। लेकिन हर चीज़ में, जैसा कि आजकल भाई एक लेयर लगाया जाता है, एक पॉलिश की जाती है कि हर डिपार्टमेंट चाहिए भाई, अब मतलब असिस्टेंट लोग कैसे करेंगे काम, एसोसिएट डायरेक्टर, अब वो भी खुद को डायरेक्टर मानते हैं, तो अब वो नहीं चाहते हैं कि भाई मैं ये काम करूं। तो ये काम अब इसके लिए एक अलग से सेपरेट कास्टिंग डायरेक्टर का डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो पहले जो एसोसिएट होते थे वही कुछ चुनिंदा तो कैरेक्टर होते हैं फिल्मों में, 5, 6, 8, 10। उस ज़माने में कोई ये वेब सीरीज या OTT प्लेटफॉर्म नहीं था कि 50-50 कैरेक्टर की जरूरत है। पहले तो हीरो हीरोइन पहले से पता है कि कौन है, मेन विलन कौन है। अब उसके साथ जो हैंचमैन है, भैया भाभी या कुछ दोस्त रोस्त का कैरेक्टर है, तो उसकी कास्टिंग बेचारे एसोसिएट कर लेते थे। तो उस ज़माने में जो स्ट्रगल करते थे एक्टर लोग, तो उनको बाकायदा पर्सनली एसोसिएट से मुलाकात हो जाती थी, डायरेक्टर से, जो फिल्म के निर्देशक हैं उनसे मुलाकात हो जाती थी। लेकिन अब ये मामला नहीं है भाई साहब। पहले जो किस्सा सुनते हैं कि धर्म साहब के साथ ऐसा हो गया, शक्ति कपूर जी के साथ ऐसा हो गया, तो वो ज़माना कुछ ऐसा था कि उसमें सब कुछ हो जाता था। लेकिन अभी जो है सब कुछ अब कास्टिंग डायरेक्टर की थाली में रख दिया गया है। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर कौन है भाई साहब? जो कास्टिंग डायरेक्टर है आज के, कुछ 8-10 हैं मेन नेम। जैसे पहला नाम आता है हनीत रेहान का, श्रुति महाजन जी का, उसके बाद शानू शर्मा हैं, उसके बाद अतुल मोंगिया जी हैं, फिर अभिषेक बनर्जी है, मुकेश छाबरा है, और योगी जी हैं, हनी त्रिहान का मैंने नाम ले लिया है, विकी सदाना हैं, ये सब बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, नंदनी जी हैं।
तो पहले जो एक ही कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करता था, अभी से कुछ 25 साल पहले जोसेफ टेस, वो भी मीरा नायर की फिल्मों के लिए कास्टिंग देख देती थी, बाकी के एसोसिएट ही संभाल लेते थे इस डिपार्टमेंट को, वही दो चार कैरेक्टर होते थे, उसको कुछ आर्टिस्ट को बुला करके थिएटर वाले चाहिए तो थिएटर वाले, या कुछ जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनमें से कोई अगर फिट बैठता था तो उनको उठा लेते थे, उनको उनसे रोल करवा लेते थे। लेकिन अब बाकायदा ये एक डिपार्टमेंट बना है। ये डिपार्टमेंट कब से बना? तो भाई साहब, गैंग्स ऑफ वासेपुर आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, तो उसमें उस ज़माने में ये अनुराग कश्यप जी, जो आज बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं, वो भी उस ज़माने में स्ट्रगल ही कर रहे थे। एक फिल्म बनाई थी ब्लैक फ्राइडे, जो बहुत चली नहीं, लेकिन क्रिटिकली काफ़ी लोग ने उनको उस पर एक्लेम किया, काफ़ी नाम कमाया उस फिल्म ने, भले पैसा नहीं कमाया। तो अनुराग कश्यप उन दिनों आरामनगर में एक छोटी सी ऑफिस में बैठा करते थे, तो वहीं पे मुकेश छाबरा पहुंचते हैं। मुकेश छाबरा भी भाई साहब एक्टर बनने आए थे, लेकिन बाद में अनुराग कश्यप से जो मिले तो बोले कि भाई एक काम करो, साथ में मिल करके मेरी फिल्म में कास्टिंग में थोड़ा सा हेल्प कर दो, तो उससे हेल्प हुआ। अब मुकेश छाबरा का कहना है भाई साहब कि ये 384 कैरेक्टर जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में, ये मैंने कास्ट किया है। तो अनुराग कश्यप जी ने क्या किया, घंटा किया। भाई साहब, अनुराग कश्यप कोई बहुत बिजी डायरेक्टर नहीं थे, वो भी वही काम कर रहे थे, ठीक है, तो कर लिए मिलजुल करके। हाँ, उसमें आपने कुछ रेफरेंस दिया कि भाई इसको इसके लिए ट्राई कर लेते हैं सर, इसको इसके लिए ट्राई कर लेते हैं अनुराग भाई, तो एग्रीड हुआ वो इस तरीके से। फिर वो जैसे फिल्म चली तो उसके बाद तो फिर ये तो बॉलीवुड के सबसे बड़े मतलब कास्टिंग डायरेक्टर बन के उभर गए। अनुराग कश्यप उस टाइम में इनकी बड़ी मदद किए। उस ज़माने में जब अनुराग कश्यप को ये अपना बाप बोलते थे अनुराग कश्यप को, आप एक दो ट्वीट देखिएगा उस ज़माने का, ये 2012-13 की मैं बात बता रहा हूँ, 12-13-14 उस ज़माने में देखिएगा, मुकेश छाबरा ट्वीट करता था हैप्पी बर्थडे डैड, हैप्पी बर्थडे बाप, बाप कर करके लिखता था, क्योंकि उसका गॉडफादर था वो, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी कास्टिंग की अब दुनिया चल पड़ी, कास्टिंग डिपार्टमेंट उनका एक हो गया, अब लोग देने लगे बड़े बड़े स्टूडियो से, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से। तो कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउस है जिसके अपने मुंतखब अपने कुछ कास्टिंग डायरेक्टर है, जैसे विक्की सराना है, तो ये फ्राइडे फिल्म्स के लिए हैं। हनी त्रिहान भाई हैं, तो हनी त्रिहान जी जो हैं ये कास्टिंग करते हैं, अब तो वो भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन गए हैं, तो वो जो हैं वो एक्सेल इंटरटेनमेंट के लिए और भी कुछ के लिए करते हैं। एक जोगी साहब हैं, तो जोगी साहब जो कास्टिंग करते हैं ये करते हैं धर्मा प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादातर कुछ और के लिए भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका काम धर्मा में जो भी फिल्म बनेगी उसकी कास्टिंग जोगी जी करेंगे। यशराज में जो भी फिल्म बनेगी उसकी शानू शर्मा जी करती हैं, वो उनकी परमानेंट कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनकी कास्टिंग उन्हीं के अंडर होती है, यानी यशराज की जितनी कास्टिंग होगी वो सब शानू शर्मा जो उनकी इंटरनल कास्टिंग डायरेक्टर है वो करती हैं। अब आ गया कुछ ऐड की दुनिया का, तो इसमें श्रुति जी भी फिल्मों का भी देखती हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्मों का ज़्यादा कास्टिंग श्रुति महाजन, श्रुति जी के पास आता है, और नंदिनी जी जो हैं वो ऐड फिल्मों की भी कास्टिंग करती हैं कुछ फिल्मों की भी। अब चूंकि OTT आ गया है तो OTT में अब ज़्यादा कैरेक्टर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया, अब आते हैं अभिषेक बनर्जी साहब के पास, ये भी एक्टर बनने आए थे, तो इनका भी एक्टिंग में दुकान नहीं चला, पेट पे की अपनी एक ज़रूरत है भाई, भूख सबको लगती है, ज़रूरत सबको पेश आती है, तो इन्होंने भी एक डायरेक्टर को पकड़ा, राजकुमार संतोषी और कई डायरेक्टर वगैरह को पकड़ करके उनके साथ जुड़ गए, तो उनके लिए फिल्म कास्ट करने लगे। अतुल मोंगिया जी हैं, तो ये दार फिल्मों के लिए काम करते हैं, ठीक है, और इनकी एक और है मोंगिया फिल्म्स करके, ये कुछ ऐसे ही नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये भी अच्छी, जैसे इरफान खान की करीब करीब सिंगल या और भी बहुत सारी फिल्मों की कास्टिंग इन्होंने किए हैं, ठीक है, लेकिन इनका भी एक अच्छा नाम है, लेकिन ये एक्टर नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला करके ज़्यादातर, अब देखिए मुकेश छाबरा जो कि एक्टर बनने आया था, बाद में कास्टिंग पकड़ लिया, अब ज़्यादातर फिल्मों में उनकी कास्टिंग रहती है और उनमें वो रोल भी निकाल लेते हैं अपने लिए, खुद को ही कास्ट कर लेते हैं, और उनकी एक टीम है 30-40 लोगों की टीम है, उस 40 लोगों की टीम जो है वो भी स्ट्रगलरों की टीम है, वो सब भी आए थे बेचारे एक्टिंग करने के लिए, उनकी एज क्या है क्या है, तो एज 24 से लेकर के 34-35 इसी रेंज के लड़के सब उनके पास, लड़कियाँ भी काम करती हैं, तो अब जो लड़का है वो उन्हीं के पास रोल भी हासिल कर लेता है। अब भाई स्क्रिप्ट तो उन्हीं लोगों के पास है ना, कास्टिंग टीम के पास ही सब कुछ है। अब रात को सन्नाटे में अपना 1000 टेक देख करके
एक बढ़िया ऑडिशन बना करके भेज दिया डायरेक्टर को। डायरेक्टर साहब ने देखा, अरे बाप रे कितना शानदार एक्टिंग किया है बंदा, चलो उसको थोड़े ना घंटा पता नहीं है कि कौन है ये, मुकेश छाबरा का असिस्टेंट है या अभिषेक बनर्जी का असिस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, बस हो गया एक्टर चाहिए था मिल गया, तो वो खुद कास्टिंग हो गई। अभिषेक बनर्जी को भी मौका मिल गया तो वो भी खुद को फिर फिल्मों में ले आए, ठीक है, उनकी फिल्म तो आप लोगों ने देखी होगी, वो भी अब एक्टर कहलाते हैं, हिंदी फिल्म भी किए हैं, बंगाली फिल्म भी कर रहे हैं। तो ये कास्टिंग डायरेक्टरों की अपनी एक दुकान खुल गई है जिसमें कास्टिंग डायरेक्टर खुद को ही कास्ट कर लेता है, तो आप लोगों को कहाँ से मौका मिलेगा, यानी अब आपके लिए स्ट्रगल जो है वो बहुत टफ हो गया है। तो अगर आप अपना कैरियर एज एन एक्टर परसू करना चाहते हैं, चेस करना चाहते हैं बॉलीवुड में, तो फिर सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि आपको या तो FTI जाना होगा या NSD जाना होगा। ये दो जगह से अगर आप एक्टिंग सीख करके यानी इनका प्रॉपर पूरा कोर्स करके आते हैं, फिर इन दोनों की फिल्म इंडस्ट्री में लॉबी है, FTI वालों की, FTII वालों की लॉबी है, NSD वालों की लॉबी है। अब इन दोनों लॉबी में कहीं ना कहीं तो आपकी गुंजाइश हो ही जाएगी, यानी अगर आप NSD से हैं तो NSD की लॉबी में जाएंगे, FTI से है तो FTI की लॉबी में जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उस लॉबी में डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो एक दूसरे की मदद करेंगे। बाकी स्ट्रगल बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं, आप बैरी जॉन, अनुपम खैर, ये सब ने अपनी दुकान खोल ली है, ये आपको एक्टर नहीं बनाते हैं, इनके पास आप जाइएगा पैसा दे दीजिएगा, 3 महीना 2 महीना ट्रेनिंग करा देंगे, फिर आप अपने घर लौट आइएगा, इंजॉय कीजिएगा, स्ट्रगल ही को इंजॉय करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि भाई जो कास्टिंग डायरेक्टर है वही एक्टर है। आपको जाना है, एक प्रोफाइल आपसे ले ली जाएगी, बहुत ज़्यादा ज़्यादा कास्टिंग डायरेक्टर क्या करेंगे, आपको बोलें ठीक है एक स्लेट बच्चे वाला जो ABCD जिस पे क क ग ग लिखते थे, वो स्लेट ऐसे यूं पकड़ाया जाएगा, उस पे आपका नाम, आपकी एज, आपकी हाइट और आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा, फिर आपको लेफ्ट राइट फ्रंट आपको प्रोफाइल देनी है, ऐसे घूम जाना है, ऐसे घूम जाना है और सामने, ये प्रोफाइल का एक दे करके वीडियो चले आना है। अब वो आपके इस प्रोफाइल को स्टोर कर लेंगे अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में, कभी आपकी एज की ज़रूरत पड़ी तो आपको एक दिन के लिए बुलाएंगे एक ऑडिशन के लिए। अब ऑडिशन में भी आपको 50 टेक का मौका नहीं देंगे, 1 से 2 टेक में आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं। अब उस टाइम में जो नए नए लड़के होते हैं थोड़ा घबराहट होती है, कहीं पर फंबलिंग हो जाती है, कहीं पर डायलॉग में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो भाई फिर आप जाइए, आप साइड हो गए। अब क्या है, जो कास्टिंग वाले हैं, जितने असिस्टेंट, भाई अभिषेक के पास 3 लौंडा लौंडी काम करता है लड़का लड़की, मुकेश छाबरा के पास 30-40-50 लड़के लड़की काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी दुकान है, तो उस दुकान में सारे जो लड़का लड़की हैं वो सब एक्टर ही हैं, तो वो लोग आपका तो ऑडिशन करेंगे 1 टेक 2 टेक 2 बार झेल लेंगे, 3री बार में बोलेंगे ठीक है ओके करके आपको भेज देंगे, हो गया भाई मुझे मिल गया जो मिलना था, मिला ना मिला घंटा कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस एज के लिए आप दे रहे हैं उस एज के ऑलरेडी उनके पास टीम में आदमी है। अब वो क्या करेंगे, वो लोग आराम से बैठेंगे, अपने एक कॉलीग को पकड़ेंगे, बोलेंगे दोस्त कैमरा संभालो, वो अब एक्शन बोलेगा और ये करेंगे एक्टिंग, 1000 टेक भाई देंगे ये, 1000 टेक के बाद इनका एक अच्छा हो जाएगा, बस क्लास का जो लगेगी, हाँ भाई ये एकदम परफेक्ट है, जो डायरेक्टर देखते ही डन कर देगा और वही होगा, उसको वो अपने डायरेक्टर को भेज दिया जाएगा, 50 में से 1 उनका भी चला गया। अब चला गया तो 10 खराब भेजें, 50 खराब भेजें, अगर 50 4 कैरेक्टर का उन्होंने भेजा तो सबका 4-4 10-10 लोगों का ऑडिशन भेजते हैं, तो 9 का खराब भेज दिए, अपना एक परफेक्ट अच्छा वाला भेज दिए, तो 9 को तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब एक जो अच्छा है वो कौन है, असिस्टेंट है, वो एक्टर नहीं है, किसका असिस्टेंट है, तो कास्टिंग वाले का, ठीक है भाई साहब, तो आपके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट जब से एक्टरों के हवाले हुआ है, क्योंकि जितने कास्टिंग डायरेक्टर हैं, औरतों में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जेंट्स में, मर्दों में जो मैं बात कर रहा हूँ, सब के सब एक्टर ही बनने आए थे, और अब चूंकि अपनी एजेंसी हो गई है तो अपने आपको खुद को लॉन्च भी कर लेते हैं, खुद को ही कास्ट कर लेते हैं, डायरेक्टर साहब से बात कर लेते हैं कि भाई सर हम ये काम, ये रोल हम ले लें, अच्छा ठीक है ले लो, ले लिया। तो बात यह है कि दोस्तों कि अगर आप वाकई फिल्मी दुनिया को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एज एन एक्टर एस्टेब्लिश होना चाहते हैं, तो ये 2 प्लेटफार्म हैं, NSD, FTI, इसमें जाइए, अच्छे से काम
मतलब 3 साल का कोर्स कंप्लीट कीजिए, बेहतर अभिनय करना सीख लीजिए और फिर आइए, फिर आप स्ट्रगल कीजिए, क्योंकि उससे पहले आपको कोई लगाएगा नहीं। और जब से ये डिपार्टमेंट कास्टिंग डायरेक्टर के हवाले किया गया है भाई साहब, कचरा हो गया है, बिल्कुल कचरा, बहुत मुश्किल है। और इसमें तो आप ये भी जानते होंगे कि बहुत सारा मतलब वो भी होता है, कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह की भी बात होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये लाइन ऐसी है जिसमें आपको बहुत कुछ खोना भी पड़ सकता है। लड़का हो या लड़की, आजकल दोनों तरह की चीज़ें हैं, मतलब दोनों तरह का लोगों को, क्योंकि दुनिया में दो तरह का शौक है, किसी का। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब। तो भाई साहब मेहनत कीजिए, अच्छी जगह से पढ़ के आइए, NSD से आइए, FTI से आइए, और ईमानदारी से लगिए, इनसे बचिए। और कास्टिंग डायरेक्टर से फिर अगर मुमकिन हो तो ज़रा बढ़िया से उनको पटाने की फिर कोशिश कीजिए, पड़ जाएंगे तो हो सकता है आपके फेवर में कुछ करवा दें, कुछ हो जाए। या चेज़ कीजिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पर्सनली मिलने की, उनसे कोई रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए कि उनसे कैसे लिंक बन जाए। अदरवाइज कास्टिंग डायरेक्टर के हवाले कीजिएगा तो मामला आपका बिगड़ जाएगा। तो ये था आज की कास्टिंग के बारे में, बॉलीवुड कास्टिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर हमारा आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा हो, तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। अगर कुछ गलत लग रहा हो तो बेशक कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर नाइट। गुड नाइट।